स्वागत है बच्चों आप सभी का भूषण साइंस यूट्यूब चैनल और भूषण साइंस प्लस की ऐप पे। आप देख रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम और जीएनएम फर्स्ट ईयर, इन दोनों के एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कॉमनली यूज होने वाली बेसिक चीज जो आप सभी फर्स्ट ईयर के बच्चों को जानना बहुत जरूरी है, दैट इज योर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनाटॉमिकल टर्म्स को। मतलब देखो, आप जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ोगे, ठीक है, तो आपके सामने कुछ ऐसी कॉमन टर्म्स आएगी जो आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मीडियल क्या होता है, लेटरल क्या होता है, प्रॉक्सिमल क्या होता है, डिस्टल क्या होता है, मीडियन क्या होता है, ठीक है, प्रॉन क्या होता है, स्पाइन क्या होता है, ये सब टर्म्स को आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आप इस क्लास में उन टर्म्स को 100% समझ जाएंगे, ठीक है। तो इस क्लास को शुरू से लेके अंत तक आपको जरूर देखना है, क्योंकि इस क्लास में आपको काफ़ी मैं बेसिक चीज समझाने वाला हूँ। तो देखिए, बात करते हैं कुछ कॉमन सी एनाटॉमिकल टर्म्स की, ठीक है। तो जो एनाटॉमिकल टर्म्स हम लोग यूज करते हैं हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, वो जनरली बॉडी के एरियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है, या तो फिर कोई अगर बॉडी में किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की पोजीशन बतानी हो, उसका ओरिएंटेशन बताना हो, जैसे हमारा हार्ट का लोकेशन, हमारे किडनी का लोकेशन, या बॉडी में कहीं ट्यूमर बन गया है उसका लोकेशन, तो जब हमें लोकेशन बताना होता है तब हम लोग इन एनाटॉमिकल टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये जब तक आप इस प्रोफेशन में है तब तक आपके काम जो है आती रहे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली जो टर्म है वो खुद है एनाटॉमिकल पोजीशन। मतलब अगर आपको कहा जाए कि आप जाकर एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो जाइए, तो आप कैसे खड़े होंगे? तो बॉडी जो है वो इरेक्ट रहनी चाहिए। ये देखो, ये इमेज शो कर रहा है, बॉडी एकदम सीधी, ऐसे झुके हुए या ऐसे नहीं रहना, एकदम सीधे आप रहेंगे। हेड आईज टोज डायरेक्टेड फॉरवर्ड, मतलब ये आपका सर, ये पैर की उंगलियां और आपकी आंखें, ये किस तरफ होनी चाहिए? सामने की तरफ होनी चाहिए, ऐसे सामने की तरफ, ठीक है। लिम्स एट द साइड ऑफ बॉडी, मतलब ये जो हाथ है ये आपके साइड में होने चाहिए, ना कि ऐसे, ना कि ऐसे, ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधे होने चाहिए। देन उसके बाद पाम्स डायरेक्टेड फॉरवर्ड, पाम्स मतलब हाथ के पंजे, ये देखिए पाम्स कैसे सामने की तरफ डायरेक्टेड है, क्लियर। तो पाम्स जो है ऐसे होने चाहिए, सीधे। तो ऐसी जब पोजिशन में कोई बंदा खड़ा रहता है तो हम बोलते हैं बंदा कैसा खड़ा है, एनाटॉमिकल पोजिशन में खड़ा है, क्लियर, ठीक है। ये होती है एनाटॉमिकल पोजीशन। अब देखो, दो पोजीशन अलग अलग है, जैसे एक को हम बोलते हैं प्रॉन पोजीशन और एक को हम बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। तो प्रॉन पोजीशन क्या होता है और सुपाइन पोजीशन क्या होता है, जैसे ये इमेज खुद इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉन पोजीशन क्या होता है, सुपाइन पोजीशन क्या होता है। व्हेन द बॉडी इज लाइंग फेस डाउन, मतलब जब जो है बॉडी एक एनाटॉमिकल पोजीशन पे है और जो फेस है वो कैसा है, नीचे की तरफ है। ये देखिए, ये सुपाइन पोजीशन है, ये सॉरी प्रॉन पोजीशन है, इसका चेहरा जो है नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये पोजीशन कैसी कहलाती है, प्रॉन पोजीशन। व्हेन द बॉडी इज लाइंग फेस अप, तो चेहरा कैसा है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, सुपाइन पोजीशन। तो ये दो पोजीशन है, प्रॉन पोजीशन और सुपाइन पोजीशन, क्लियर है ना। अब देखिए आगे, अब जो है बॉडी में इन टर्म्स में कुछ प्लेन्स आते हैं, ठीक है, जैसे मीडियन या सजाइटल प्लेन, या पैरामीडियन या सजाइटल प्लेन, फ्रंटल या फिर उसको कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हॉरिजेंटल या ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं इसे, क्लियर। तो ये क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं, एक एक करके इन चारों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मीडियन प्लेन की।
मीडियन प्लेन क्या होता है? वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी डिवाइडिंग इट इंटू टू इक्वल हाफ्स राइट एंड लेफ्ट। मतलब बॉडी जो है इस तरीके से सेंटर लाइन से कट की जाए कि हमारी बॉडी जो है लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड हो जाए। तो इक्वल हाफ बिल्कुल बीच से, बॉडी के बिल्कुल सेंटर लाइन से जो है, बॉडी के बिल्कुल सेंटर लाइन से बॉडी को कट करना है ऐसे, ताकि बॉडी जो है लेफ्ट और राइट पोजीशन पे डिवाइड हो जाए। तो ये जो प्लेन है ये कहलाता है आपका मीडियन प्लेन। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये कहलाता है मीडियन प्लेन। क्लियर। अब उसके बाद हम बात करते हैं पैरामीडियन प्लेन की। पैरामीडियन प्लेन क्या होता है? वर्टिकल पैरेलल टू द मीडियन प्लेन। मतलब जो हमारा मीडियन प्लेन होता है उससे वर्टिकल डायरेक्शन में जो प्लेन कटता है, ठीक है, इसको कहते हैं पैरामीडियन प्लेन, या इसी को अपन कहते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। तो देखो ये आपका मीडियन प्लेन हो गया और ये आपका हो गया पैरामीडियन प्लेन, या इसी को अपन कह रहे हैं ट्रांसवर्स प्लेन। इसी को अपन क्या कह रहे हैं बेटा? ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, तो इसको अपन ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं। अब इसके बाद जो है फ्रंटल प्लेन, या इसी को अपन बोलते हैं कोरोनल प्लेन। मतलब वर्टिकल परपेंडिकुलर टू मीडियन प्लेन। अब देखो यहां पर फ्रंटल प्लेन जो है ये दिखा रहा है, ठीक है, मतलब यहां पर बॉडी जब इस प्लेन से डिवाइड होती है तो इट इज डिवाइडेड इंटू एंटीरियर एंड सुपीरियर पार्ट। मतलब समझ नहीं आ रहा होगा, मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ये मेरी बॉडी है, अब अगर यहां से कट की जाए तो ये मीडियन प्लेन कहेंगे, बॉडी जो है लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो रही है। लेकिन अगर फ्रंटल प्लेन से डिवाइड की जाए तो बॉडी जो है ऐसे डिवाइड होगी, यहां से ऐसे काटी जाएगी। तो बॉडी कैसे डिवाइड हो जाएगी? फ्रंट साइड और बैक साइड, है ना। तो ये एंटीरियर मतलब होता है फ्रंट साइड और पोस्टीरियर मतलब होता है बैक साइड। तो बॉडी कैसे डिवाइड होगी? फ्रंट और बैक में डिवाइड होगी, तो उसको कहेंगे हम लोग फ्रंटल प्लेन, या उसी को कहते हैं कोरोनल प्लेन। क्लियर। देन उसके बाद हॉरिजेंटल या ट्रांसवर्स प्लेन। तो देखो बॉडी को जब ऐसे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है, विच इज पैरेलल टू द फ्लोर। तो देखो ये आपका फ्लोर है तो फ्लोर से पैरेलल डायरेक्शन में कट होगा, ठीक है। और इससे कट करने पे बॉडी जो है सुपीरियर और एंटीरियर पार्ट में डिवाइड होगा। मतलब जैसे ये बॉडी है, क्लियर, ये बॉडी है, अब ये जो है मैंने काट दिया हॉरिजेंटल प्लेन से, तो बॉडी के दो हिस्से हो गए, एक ये और एक ये। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको बोल देंगे सुपीरियर पार्ट, और जो नीचे वाला है इसको बोल देंगे इन्फीरियर पार्ट। तो हॉरिजेंटल पोर्शन से जब भी, हॉरिजेंटल प्लेन से जब भी हम बॉडी को कट करते हैं तो बॉडी जो है सुपीरियर और इन्फीरियर पार्ट में डिवाइड हो जाती है। क्लियर, ठीक है। देन उसके बाद देखिए अब हम लोग कुछ टर्म्स की बात करेंगे, जैसे मीडियल क्या होता है, लेटरल क्या होता है, सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, ऐसी बहुत सारी टर्म्स है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये बात बताने के पहले आपको मैं बता दूं, जिस किसी बच्चे को भी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम और जीएनएम फर्स्ट ईयर का फुल कोर्स पढ़ना है, उनको डाउनलोड करना होगा भूषण साइंस प्लस की ऐप को, क्योंकि भूषण साइंस प्लस की ऐप में आपके लिए बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम का फुल कोर्स, जिसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी की पूरी क्लासेस, अप्लाइड सोशियोलॉजी की पूरी क्लासेस, अप्लाइड साइकोलॉजी की पूरी क्लासेस और नर्सिंग फाउंडेशन वन, ये पूरी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है। दूसरा जीएनएम फर्स्ट ईयर, जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फंडामेंटल, कम्युनिटी हेल्थ, CHN, एनवायरमेंटल हेल्थ एजुकेशन और न्यूट्रिशन, ये सारी क्लासेस की वीडियो प्लस PDF, ये पूरा का पूरा अवेलेबल है भूषण साइंस प्लस की ऐप पे। जिस किसी को भी ज्वाइन करना है आज ही डाउनलोड करें ऐप को, या तो फिर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोग वेरियस अब टर्म्स की बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले एंटेरियर और पोस्टेरियर क्या होता है उसको समझ लेते हैं। एंटेरियर को ही एक और नाम से जानते हैं हम लोग, वेंट्रल, ठीक है। और जो पोस्टेरियर होता है उसको हम लोग डॉर्सल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये बॉडी है, ठीक है, अब ये बॉडी है मान लो, अब ये बॉडी जो है आप इस तरीके से मान लो, यहाँ पे एक ही हाथ एक ही पैर दिख रहा है, मतलब बंदा जो है ऐसा बैठा है। बंदा कैसा बैठा है? ऐसा, साइड से आप देख रहे हैं, ठीक है। तो साइड से आप जब देखेंगे और बॉडी को जो है ऐसे कट करेंगे, मतलब ऐसे कट करेंगे, ठीक है, तो ये सामने का हिस्सा क्या कहला जाएगा? एंटेरियर। बॉडी का सामने वाला पार्ट क्या कहलाएगा? एंटेरियर, या उसी को बोलेंगे वेंट्रल। वहीं पर बॉडी का पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? पोस्टेरियर, या उसी को अपन क्या बोलते हैं? डॉर्सल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉर्सल। तो ऐसे बॉडी जो है दो साइड में डिवाइड हो जाएगी, एंटेरियर और पोस्टेरियर। मतलब पेट वाला हिस्सा जो है वो एंटेरियर पार्ट हो गया, पीठ वाला हिस्सा जो है वो पोस्टेरियर पार्ट हो गया। क्लियर है ना? अब देखिए, इसके बाद सुपेरियर और इंफेरियर। व्हाट डू यू मीन बाय सुपेरियर? मतलब ऊपर का, इंफेरियर मतलब नीचे का। मतलब जैसे ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है। अब इस बॉडी को जो है मैं अगर यहां से कट कर दूं तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये क्या कहलाएगा? सुपेरियर। नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा? इंफेरियर। क्लियर? सुपेरियर और इंफेरियर इस टाइप से। मतलब सुपेरियर मतलब होता है क्लोजर टू द हेड, जो सर के पास है। इंफेरियर मतलब क्लोजर टू द फीट, मतलब जो पैरों के पास है। क्लियर? और ये तब भी समझ में आएगा जब हम हॉरिजेंटल प्लेन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। अब उसके बाद टर्म आती है सुपरफिशियल या डीप। हमको पता है जैसे सुपरफिशियल इन्फेक्शन की बात करते हैं, मतलब स्किन के ऊपरी हिस्से में, और डीप मतलब स्किन के अंदरूनी भाग में, ठीक है। तो ये होता है सुपेरियर, ये सुपरफिशियल या डीप। तो यहां पे रेफरेंस पॉइंट क्या लिया गया है? सरफेस ऑफ द बॉडी। मतलब बात किसके रिस्पेक्ट में होगी? सरफेस ऑफ द बॉडी। बॉडी के सरफेस से अंदर है तो डीप, बॉडी के सरफेस के जितना पास है तो सुपरफिशियल। क्लियर है ना? देन उसके बाद जो है फिर आता है प्रॉक्सिमल, डिस्टल, इप्सिलेटरल या कॉन्ट्रालेटरल, ठीक है। तो यहां से ऐसा ब्रेक करना था। तो देखो, प्रॉक्सिमल मतलब क्या होता है? क्लोजर टू द रूट ऑफ द लिम्ब। लिम्ब मतलब हाथ, आप बोल सकते हो पैर। जैसे अपर लिम्ब बोलते हैं ना, तो हाथ। लोअर लिम्ब बोले मतलब पैर। क्लियर? तो प्रॉक्सिमल मतलब क्या होता है? जब कोई स्ट्रक्चर हाथ और पैर के पास में हो, जैसे ये वाला पिक्चर देखो, ठीक है। तो यहां पे प्रॉक्सिमल जो है वो कैसे दिखा रहा है कि आप बोलोगे क्लोजर टू द रूट ऑफ द लिम्ब। रूट मतलब होता है जहां से लिम्ब स्टार्ट हुआ है, जहां से लिम्ब स्टार्ट हुआ। जैसे मैं हाथ की बात करूं, अपर लिम्ब की बात करूं, तो अपर लिम्ब का रूट क्या हो जाएगा भाई? शोल्डर, यहीं से स्टार्ट हुआ है हाथ। पैरों का रूट क्या हो जाएगा? कमर का हिस्सा, वहां से पैर स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। देन उसके बाद डिस्टल। डिस्टल मतलब दूर, फर्दर अवे फ्रॉम द रूट ऑफ द लिम्ब। तो डिस्टल का मतलब होता है दूर। वहां पर देखो प्रॉक्सिमल, ये वाला रूट का हिस्सा है, ये वाला रूट का हिस्सा है, ये वाला रूट का हिस्सा है। तो प्रॉक्सिमल मतलब रूट के पास, रूट के पास, और डिस्टल मतलब रूट से दूर, रूट से दूर, लिम्ब के रूट से दूर, है ना। तो रेफरेंस पॉइंट क्या लिया जाता है यहां पे? ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर। और ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहे हैं? रूट। जैसे प्लांट का ओरिजिन कहां से होता है? रूट से भाई। तो वैसे ही ऑर्गन का भी रूट माना जाता है। तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल का मतलब, तो प्रॉक्सिमल मतलब ओरिजिन के पास, डिस्टल मतलब ओरिजिन से दूर। हाथ के पैर में भी बात हो सकती है, ये पैर की पैर इस पर बात हो सकती है। हाथ मतलब अपर लिम्ब, हाथ मतलब बेटा अपर लिम्ब, और पैर मतलब लोअर लिम्ब। क्लियर? आप लोगों के लिए नई टर्म्स है, ये टर्म्स को आपको याद रखना है, ठीक है, ओके।
देन उसके बाद जो है ये देखिए इप्सिलैटरल बच गया, सॉरी इप्सिलैटरल, इप्सिलैटरल एंड कॉन्ट्रालैटरल क्या होता है? इप्सिलैटरल मतलब होता है ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी, है ना, और कॉन्ट्रालैटरल मतलब ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे जो है कोई एक ट्यूमर, कोई एक वुंड हुआ है, अब ये वुंड जो है वो वुंड और मेरा हाथ का फ्रैक्चर दोनों एक ही हाथ में है, मतलब बॉडी के एक ही साइड में, लेफ्ट साइड में है, तो ट्यूमर या वुंड और फ्रैक्चर दे बोथ आर ऑन इप्सिलैटरल साइड, मतलब बॉडी के सेम साइड में है। कॉन्ट्रालैटरल मतलब अपोजिट में, कि भैया वुंड एक हाथ में लेफ्ट हैंड साइड में और जो फ्रैक्चर हुआ है वो राइट हैंड साइड में, तो कॉन्ट्रालैटरल हो जाएगा। क्लियर है ना, इस टाइप से हम लोग जो है बात करते हैं इसकी। अब उसके बाद एक्सटर्नल और इंटरनल, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो जब भी बॉडी के हॉलो स्ट्रक्चर की बात होती है, हॉलो मतलब खोखले, अब जैसे हमारा ये रिब केज है, रिब केज जो होता है, जैसे ये मान लीजिए आपका स्टर्नम है, ये क्या है, स्टर्नम है, स्टर्नम मतलब ये यहां पे बोन रहती है, ठीक है। अब उससे जो है आपकी रिब्स जुड़ी हुई है, ये रिब्स, क्लियर, ये ऐसे रिब्स रहती है। अब ये रिब्स के बीच में यहां पर कुछ मसल्स रहती है, इन मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल, मतलब वो मसल्स जो रिब्स को एक दूसरे से कनेक्ट किए हुए हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। तो इंटरकोस्टल मसल की एक लेयर रिब के बाहर साइड से रहती है और एक लेयर रिब के अंदर साइड से रहती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो बाहर साइड से है, और जो अंदर साइड से है उसको बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। क्लियर, तो वैसे ही वो जो है यहां पर बोला गया है कि एक्सटर्नल और इंटरनल, तो एक्सटर्नल बीइंग आउटसाइड एंड इंटरनल बीइंग इनसाइड। क्लियर, अब देखिए मीडियल और लेटरल, मीडियल मतलब होता है मिड लाइन पे। अब हमारे बॉडी की जो है एक मिड लाइन होती है, हमारे बॉडी की एक मिड लाइन होती है, जैसे ये बॉडी के सेंटर पार्ट से ऐसी, इसको हम लोग बोलते हैं मिड लाइन। तो मिड लाइन के जो चीज जितना पास होगी उसको अपन बोलेंगे मीडियल, और मिड लाइन से जितना जो दूर होगी उसको बोलेंगे लैटरल। जैसे यहां पर देखो, अब आप बोलोगे सर ये लैटरल बॉर्डर दिखा रहा है, ये मीडियल बॉर्डर दिखा रहा है, लेकिन दोनों तो हाथी के तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो ये तो है मिड लाइन, ये मिड लाइन है, ये तो बात आप समझ गए। अब देखो यहां पर जैसे हम बात करते हैं पहले लैटरल की, लैटरल में देखो हाथ के बाहरी सरफेस पे मार्किंग की हुई है, और यहां पर मीडियल में हाथ के अंदरूनी सरफेस पे मार्क किया हुआ है कि नहीं, तो ये मिड लाइन से ज्यादा पास है इसीलिए मीडियल सरफेस कहलाना है, ये मिड लाइन से ज्यादा दूर है मतलब ये लैटरल सरफेस है। लैटरल मतलब जनरली लेफ्ट और राइट, ये दो साइड हम लोग मानते हैं लैटरल मतलब, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये मूवमेंट ऑफ जॉइंट जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक बार भूषण साइंस प्लस की ऐप पे अवेलेबल इन दोनों कोर्स की डेमो क्लासेस, डेमो पीडीएफ, डेमो नोट्स पे जरूर नजर डालिएगा, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए बड़ी मेहनत से हमने बनाया है, आप लोगों के सुझाव हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। कल की क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।